मैं इसके कलर दिखाता हूँ आपको पास से, ये देखो कैसे ब्राउन होनी शुरू हो गई है, लगभग 5-7 मिनट इसको हो गए हैं अभी। भाई साहब मतलब इतनी सिंपल चीज़ लग रही थी ना देखने में, टेस्ट माइंड ब्लोइंग है इसका। ये मैं पहली बाइट में दावा कर सकता हूँ पूरे जम्मू में ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगर व्लॉग्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ भाई साहब बोरी चौक पे, क्या खिलाने भाई साहब, लिट्टी चोखा। जी हाँ, बिहार का फेमस स्ट्रीट फूड लिट्टी चोखा मिलने लगा है जी अब जम्मू में। कहाँ मिलता है जी? पूर्वांचल लिट्टी चोखा शॉप पे। और ये शॉप जो है ये है जी तालाब तिल्लो मेन जो बोरी चौक है वहाँ पे। तो देर ना करते हुए चलते हैं इनके पास, दिखाते हैं कि लिट्टी चोखा क्या होता है और उसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो ये हमारा लिट्टी चोखा के लिए लिट्टी तैयार की जा रही है यहाँ पर। तो भैया ये आटे की बनती है? जी चक्की वाले आटे का होता है। तो ये देखो जी आटे का जो है इन्होंने पेड़ा ले लिया है। तो भैया बीच में क्या भर रहे हैं आप? ये सत्तू है। सत्तू? तो ये जी बीच में ना सत्तू की फिलिंग रहती है लिट्टी के अंदर। और ये देखो पूरा फिलअप किया जा रहा है बीच में अच्छे से। तो भैया इसको फ्राई करते हैं? नहीं नहीं, इसको तंदूर पे सेकते हैं। तो इसको तंदूर के ऊपर सेका जाएगा। ये आप देख सकते हो इन्होंने तंदूर लगा रखा है, मैं आपको पूरा तंदूर दिखाता हूँ। ये तंदूर है इनका और इसके ऊपर है जो आप देख सकते हो अच्छे से कोयले रखे हुए हैं इन्होंने खूब सारे, जिसके ऊपर ये लिट्टी ये जो है ये सेकी जा रही है। ये देखो अच्छे से इनको सेका जाएगा यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लिट्टी बनाई जा रही है और अच्छे से सेकी जा रही है जी कोयलों के ऊपर। ये इन्होंने जो अपना तंदूर का एक सेटअप लगा रखा है छोटा सा, इसके ऊपर काफ़ी सारे कोयले रखे गए हैं और इसके ऊपर ये देखा आप देख सकते हो पूरी ये जाली रखी है एक लोहे की। तो भैया कितना टाइम सेकना पड़ता है इस लिट्टी को? 15 मिनट लग जाते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट तक ना इसको ऐसे ही सेका जाएगा और उसके बाद जो है ये लिट्टी जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है ना लिट्टी में कलर आना स्टार्ट हो गया है। देखो जैसे भैया ने पलटी है तो ये पकनी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हो जो लिट्टी है ये पकनी चालू हो चुकी है। और ये देखो एक मैं इसके कलर दिखाता हूँ आपको पास से, ये देखो कैसे ब्राउन होनी शुरू हो गई है, लगभग 5-7 मिनट इसको हो गए हैं अभी। कितनी देर लगेगी और इसको पकने में? लगेगा 5-7 मिनट। तो भैया कह रहे हैं 5 से 7 मिनट जो है अभी इसको और लगेंगे पकने में। और ये देखो कैसे इसका कलर जो है पूरा एकदम डार्क ब्राउन होता जा रहा है और इसके बीच में की गई है भाई साहब सत्तू की फिलिंग। तो भाई साहब ये लिट्टी जो है ना हमारी बनके तैयार हो चुकी है, अभी इसकी प्लेट लगाई जाएगी। तो भैया ये क्या चीज़ होती है? ये आलू का चोखा है। तो क्या क्या डाला होता है इसके अंदर? इसके अंदर धनिया पत्ता है। धनिया पत्ता है तो अभी क्या डालेंगे इसमें? और इसमें टमाटर की चटनी डालेंगे। तो ये भाई साहब ये टमाटर की चटनी रहती है, तो इसमें मिर्च भी डाली होती है आपने? हाँ, इसमें हल्का मिर्च होता है। ठीक है, धनिया पत्ता होता है, प्याज होता है डाला हुआ। तो ये देखो भाई साहब हमारी लिट्टी चोखे की जो प्लेट लग रही है इसके अंदर चोखा आ गया है और ये टमाटर की चटनी आ गई है जो फ्राई मिर्च मसाले वाली। तो ये फ्राई मिर्च दी है भैया ने मसाले वाली साथ में। भैया अगर मिर्च दिखाना जरा, ये बड़ी अच्छी लग रही है देख के ज़बरदस्त। तो ये क्या खुद फ्राई करके अचार बनाया होता है इसका या कोई मसाला टाइप चीज़ डाली होती मसाला है? मसाला टाइप चीज़ डाल के। मसाला टाइप चीज़ डाली होती है। डेली बनाते हैं, डेली फ्रेश बनाते हैं। तो ये जो चोखा यहाँ देख रहा हूँ मैं, चोखा भी फ्रेश बनाते हैं आप? चोखा ही फ्रेश, मेरा हर कुछ फ्रेश होता है। तो भाई साहब आप ये देख सकते हो चोखा, लिट्टी चोखा जो है ना ये देसी घी वाला मिलता है इनके पास। पूरा देसी घी में डुक्की करा के इसको लिट्टी को इन्होंने डाल दिया है चोखे के साथ। तो ये देखो एक प्लेट में 2 पीस रहते हैं भैया, तो कितने की रहती है एक प्लेट? एक प्लेट घी में डिप करके 60 का। तो देखो जी घी में डिप करके 60 की, अगर किसी ने बिना घी में डिप किया लेना हो फिर 30 का। तो ये देखो भाई साहब ये 60 रुपये वाली प्लेट लग गई है। सो दोस्तों स्पेशल लिट्टी चोखे की प्लेट हमारे लग के आ चुकी है, अब करते हैं इसको टेस्ट। तो पहले भाई साहब मैं पास से ना आपको लिट्टी दिखाता हूँ। इसके अंदर ना पूरी सत्तू की फिलिंग की गई है और अच्छे से इसको सेका गया है अपना कोयले के ऊपर। तो करते हैं इसको टेस्ट, काफ़ी गर्मा गर्म है। तो ये देखो और इसके साथ में ना हम ये चोखा लगा लेंगे अच्छे से। ये आलू का चोखा है जिसके अंदर इन्होंने पूरा राई का तड़का मारा होता है बढ़िया वाला, और ये थोड़ी सी इनकी स्पेशल चटनी। भाई साहब मतलब इतनी सिंपल चीज़ लग रही थी ना देखने में, टेस्ट माइंड ब्लोइंग है इसका। ये मैं पहली बाइट में दावा कर सकता हूँ पूरे जम्मू में ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ना रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आओ, क्योंकि भाई साहब ये जायका ना
आपको मिस नहीं करना चाहिए, बिहार की स्पेशल चीज़ है। लेकिन भाई साहब जम्मू में आ चुकी है और जम्मू में आके भी ना कमाल कर दिया है, बोलने का मन नहीं कर रहा, दिल कर रहा बस यहाँ अटैक करता जाऊँ मैं। एक बार फिर से देख लो पास्ते पूरी एकदम देसी घी में डिप करके, 60 रुपये की प्लेट है, और ये 60 रुपये की प्लेट में जो चीज़ आपको मिल रही है ना, ये आपकी सेहत के लिए भी हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर सत्तू है। आपको पता है सत्तू बहुत बेनिफिशियल होता है सेहत के लिए। और ये आलू अच्छे से बॉईल करके इसमें तड़का मारा हुआ है राई का, मज़ा आ गया खा के। तो उम्मीद है आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप सबका अपना चैनल डुगर ब्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब करना।